नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितेश गंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पोवाया में बेलेरो की टक्कर लगने से बाइक सवार दो युवक हुए गंभीर रूप से घायल, आनन फानन में उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, दोनों युवकों की हालत गंभीर। जलालाबाद के रामपालपुर गांव में पति पत्नी के साथ दबंगों ने की मारपीट, पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना, गांव के ही लोगों ने गाली गलौज करते हुए की लात घूंसे से मारपीट। कांट के चकममरेज गांव में किसान के साथ मारपीट का मामला आया सामने, खेत से निराश्रित गायों को भगाने को लेकर हुआ था विवाद, पीड़ित किसान ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पोवाया में पत्नी से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या करने का किया प्रयास, 9 साल पहले हुई थी युवक की शादी, पत्नी के साथ चल रहा था विवाद, युवक को लाया गया अस्पताल। जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम रामपालपुर गांव में पति पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला सुनीता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि गांव में ही कुछ लोगों का विवाद हो रहा था, वह अपने पति के साथ वहां खड़ी थी, इसी दौरान झगड़ा कर रहे लोग उन पर हमलावर हो गए और गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से जमकर पिटाई की। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद महिला की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पोवाया पुलिस ने वांछित हिस्ट्री सीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है, इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त पोवाया थाना क्षेत्र के ही पसिया खेड़ा गांव का रहने वाला है। बदमाश का नाम मोहसिन उर्फ मुनसीर है, जो कि हिस्ट्री सीटर बदमाश है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ में आगमन पर स्वागत किया है। सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लखनऊ आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जलालाबाद के एलम नगर का रहने वाला ट्रैक्टर मालिक थाने में खड़ा ट्रैक्टर रिलीज करवाने के लिए अब अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल पूरा मामला 20 जनवरी का है, जब ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर पर सरकारी राशन लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस ने शक के आधार पर कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा लिया। बाद में जाँच में पाया गया कि ट्रैक्टर ट्राली पर लदा राशन गुनारा गाँव में उपभोक्ताओं को वितरण के लिए ले जाया जा रहा था। पूरे मामले का संज्ञान उपजिला अधिकारी ने लिया और ट्रैक्टर को रिलीज कराने का आदेश दिया है, लेकिन आदेश में ये प्रश्न नहीं लिखा गया था कि ट्रैक्टर मालिक को ही दिया जाना है, जिसके कारण अब ये लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका ट्रैक्टर अभी तक रिलीज नहीं हो पाया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शाहजहांपुर का भी बड़ा योगदान रहेगा, यहां 168 निवेशक 6000 करोड़ के निवेश करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शाहजहांपुर के होटल ग्रांड से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, इसमें जिले भर के इन्वेस्टर्स और अधिकारी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से 500 करोड़ के निवेश का टारगेट दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन और उद्यमियों के सहयोग से ये निवेश बढ़कर 6000 करोड़ 88 लाख हो गया है। निवेशकों की माने तो यूपीसीडा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग के जरिए जिले के लगभग 10,758 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकेगा। शाहजहांपुर से 100 उद्यमियों को लखनऊ में आयोजित समिति में शामिल होने का मौका मिला है। कांट थाना क्षेत्र के चकममरेज गांव में खेत से निराश्रित गायों को भगाने को लेकर किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चकममरेज गांव के रहने वाले किसान राजेश ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि घटना 6 फरवरी की है, जब उसके खेत की खड़ी फसल को निराश्रित पशु खा रहे थे। इस दौरान उसने अपने खेत से गौवंश को भगा दिया, जो कि पड़ोस के ही किसान के खेत में जा घुसा। इसी बात से गुस्साए पड़ोसी ने अगले दिन उनके घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की, इसमें उसे चोटें आई हैं। फिलहाल अब पीड़ित ने एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पोवाया में बेलोरे की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
घटना लखपेड़ा बाग के पास की है। यहाँ सामने से आ रही तेज रफ्तार बेलेरो ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर तमाम अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन आज तेलहर में दूसरे दिन भी जारी रहा। यहां अधिवक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि वह जिला मुख्यालय से जारी किए गए उस आदेश का विरोध करते हैं जिसमें बताया गया कि अब 1500 पत्रावली तहसील न्यायालय से जिला मुख्यालय पर सुनी जाएंगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि यहां से पत्रावलियां ट्रांसफर हो जाने से उनको और अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कई अधिकारी सक्षम भी नहीं है कि वह शाहजहांपुर आने जाने का खर्चा वहन कर सकें। विकासखंड क्षेत्र निगोई के प्रसिद्धीय विद्यालय के राष्ट्रीय आविष्कार प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराई गई। आज छात्रों को बस द्वारा निगोई के BRC से शाहजहांपुर लाया गया। निगोई के खंड शिक्षा अधिकारी रमेश पंकज ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बच्चों को सबसे पहले शहीद म्यूजियम लाया गया। यहाँ बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के बारे में जाना। उसके बाद हनुमत धाम पर भी बच्चों को ले जाया गया। वहीं अंत में सभी बच्चों को बस द्वारा शहीद उद्यान लाया गया। यहां बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की और झूलों का आनंद लिया। ओवाया में पत्नी से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। पूरी घटना मोहल्ला हरदयाल कुंचा की है। यहां के रहने वाले एक युवक की शादी 9 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से पत्नी के साथ कोई विवाद चल रहा था जिसके बाद पत्नी मायके में रह रही थी। बताया जा रहा है कि आज थाने में समझौता होना था लेकिन समझौता नहीं हुआ जिसके बाद युवक ने परेशान होकर कमरे में फंदे से झूलकर जान देने की कोशिश की। हालांकि किसी तरह परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए और युवक की जान बच गई। आज भाजपा के हनुमत धाम मंडल की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता पहुंचे। इस दौरान बैठक में नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की गई और रूपरेखा तैयार की गई।